हेलो दोस्तों, तो आज देखें बहुत ही सनी वेदर है और अभी गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ कुछ हिबिस्कस खिले हैं। तो देखिए इनका साइज़ देख सकते हैं आप, बहुत बड़े हैं और कल काफ़ी सारे खिले थे तो आज सिर्फ ये एक खिला है और यहाँ छुटकू सा हो गया। इसके साइड के पेटल्स कुछ कीड़ों ने जो है काट लिए हैं। और इसी तरह से यहाँ भी ये जो देसी हिबिस्कस होते हैं ये भी खिले हैं, जो साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये आज दो खिले हैं और कुछ कुछ मैंने कोलियस की कटिंग्स जो हैं यहाँ मैंने सीढ़ियों के साइड में मैंने लगा रखे हैं। और ये भी कटिंग से तैयार किए हुए क्रिसेंथमम हैं। तो ये सारे हैं अभी। और अभी गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है तो मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ गार्डन में। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ड्राई हो चुका है, तो हल्की हल्की बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरे अमारलिस लिली भी सारे जो है ख़त्म हो गए। और यहाँ आप देख सकते हैं मधुमालती में अभी कलियाँ बन रहे हैं। और एक जो है वेजिटेबल वाले गार्डन में मैं ले चलती हूँ आपको, वहाँ जो है काफ़ी सारे मधुमालती जो है खिले हैं, जो एक नीम के बेल पे है। और देखिए ये भी हिबिस्कस है, ये भी खिले हैं बहुत सारे। और अभी गर्मियों में इन पे जो है बहुत सारे जो है फूल बनते हैं। और धूप की वजह से आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे प्लांट्स मुरझाए हैं। तो यहाँ देखिए आप नीचे जो है ये पम्पकिन का बेल, और यहाँ बहुत सारे मधुमालती एक साथ जो है खिले हैं। ये देखिए झुमका बेल भी इनको जो है कहा जाता है। तो अभी गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से जो है फूल देते हैं। ये पूरा जो है ऊपर की ओर बहुत ज़्यादा खिले हैं, तो इस तरह से मैंने इनको इस पर चढ़ाया था। और अभी आप लोगों को मैं और ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही क्योंकि अभी सारे प्लांट्स जो है काफ़ी ख़राब हो चुके हैं गर्मियों के कारण। और कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी मैंने लगाए हैं हाल ही में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सनफ्लावर लगाए हैं मैंने, वो सारे सनफ्लावर हैं। और ये सारे डेलिया के हैं, ये इनमें अभी फ्लावरिंग होगी शायद। और यहाँ कुछ गुलाब खिले हैं आज, ये छोटे वाले गुलाब हैं। और यहाँ एक पीच कलर का गुलाब खिला है, तो सिंगल एक खिला है यहाँ पे। और यहाँ एलोवेरा का प्लांट है और कुछ कटिंग्स मैंने लगाए हैं। और इस साइड पे जो मैंने एक छोटा सा गार्डन क्रिएट किया था, यहाँ पे ये इम्पेशंस के फूल हैं और कुछ स्पाइडर प्लांट है। और डहलिया में जो है फिर से जो है कलियाँ बन रही हैं, तो एक आध आई थिंक इनमें खिलेंगे। और यहाँ देखिए ये भी खिला हुआ है फिर से, और कुछ कोलियस, और ये स्टैंड पे कुछ ये सेडम के प्लांट्स, और ये जो मैंने बॉटल में लगाया है। और यहाँ आप देखें पीस लिली में जो है एक नया एक फूल जो है आया है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग होते हैं। और यहाँ देखिए एंथूरियम में भी नए नए आ रहे हैं बर्ड्स। और कुछ मैंने पर्सलिन की कटिंग्स यहाँ नीचे लगाए हैं। और इसी तरह से मेरा ये छोटा सा गार्डन अभी चल रहा है। और ये एलो का प्लांट और ये अगेव का प्लांट, ये सारे कुछ परमानेंट प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं। और फूशिया को मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि उस साइड पे बहुत गर्मी होती है। और यहाँ पे टेबल पे मैंने कुछ ये कटिंग्स लगाए हैं, तो ये भी आई थिंक चल पड़े। यहाँ खुद कुछ ये जो है सदाबहार के फूल। और यहाँ आप देखें छोटे से बॉटल में कोलियस बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप भी ऐसे कंटेनर में लगा सकते हैं। ये इनके रूट्स ज़्यादा नीचे तक नहीं फैलते, तो इसीलिए कोई भी कंटेनर में आप इन्हें लगा सकते हैं। और ऊपर मैंने कुछ हैंगिंग प्लांट्स रखे हैं इस तरह से। और ये मेरा पानी का जो है ड्रम, जहाँ मैं पानी रखती हूँ रेन वाटर जमा करके, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मैंने ये ऐसा कुछ लगाया है ताकि यहाँ डायरेक्टली जो है पानी यहाँ पर जमे। और ये का सारे कटिंग्स मैंने लगाए हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे फूल कुछ बन रहे हैं, और कटिंग्स भी मैंने
कलांचोस की कटिंग मैंने लगाए हैं, और ये बोगनविला में आप देखें गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से जो है फूल देते हैं। ये भी कटिंग से तैयार किए गए प्लांट है, बहुत ही हेल्दी हुआ है मेरा ये प्लांट अभी। और ये भी जो है पर्पल हार्ट के प्लांट, और ये पोइनसेटिया। तो कुछ इस तरह से सारे प्लांट्स को मैंने एक साथ रखा है। और एक मैं इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाऊं आपको, इसको मैं थोड़ा उठाकर ले लेती हूँ, काफ़ी भारी है ये प्लांट, यहाँ छाँव में मैं रखती हूँ। तो ये मैं आप लोगों को अक्सर बताती थी कि ये मधुकामिनी के फूल हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था, मैं कहीं से कटिंग्स लाई थी। तो इनमें देखिए आप बोगनविला के फूल आए हैं, और इनके कलर कुछ इंटरेस्टिंग सी है, और सिर्फ एक ही फूल आया है इसमें, और यहाँ पर भी एक। तो ये फाइनली बोगनविला ही निकला। इनके कलर देखिए, पत्तों का कलर कैसे लेमन ग्रीन कलर के हैं, और बहुत ही जो है मुझे अच्छे लगे हैं। तो मैं इनको बड़े गमलों में ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि ये कटिंग्स ही थे जो मैंने इनको लगाया था। तो इनमें फूल अभी बन रहे हैं, सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और यहाँ वही सारे कुछ प्लांट्स, कुछ शिडलिंग से हुए हैं, और देखिए मैंने ऐसे प्लास्टिक बैग्स में भी काफ़ी रखे हैं। और रेन लिली ये भी अभी ग्रो कर रहे हैं, और यहाँ बैग में भी रेन लिली है, और कुछ ये मैक्सिकन पिटूनिया, और ये सारे कोलियस, और कुछ सिंगोनियम्स भी हैं, कटिंग्स लगाए थे मैंने। तो ज़्यादा धूप की वजह से देखिए इनके पत्तों का कलर कितना फेड हो चुका है, तो अभी सारा जो है ड्राई हो चुका है। और ये फेम प्लांट, और ये सारे डिफेनबेकिया, और क्रोटन में भी ग्रोथ जो है अभी इनकी शुरू हो गई है। तो ये भी कटिंग से लगे एक प्लांट है, जिनको मैंने ये प्लास्टिक बॉटल में लगाया था, तो काफ़ी हेल्दी है। ये सेकंड वैरायटी है, और ये कुछ बाबी हेयर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सब्जियाँ जो हैं यहाँ लगी हैं, खुद ही ऐसे उग जाते हैं, क्योंकि गोबर का खाद जब हम इन पर डालते हैं तो कहीं से हम लाते हैं ना, तो उसी में जो शीड्स रह जाते हैं तो वही जो है ग्रोथ पकड़ते हैं। और ये जेड प्लांट है यहाँ पे, और ये सारे कटिंग्स मैंने लगाए हैं, और नीचे भी बहुत सारे प्लांट्स मैंने रखे हैं, और उस साइड पे भी मेरा काफ़ी सारा प्लांट्स है, और इधर मैंने सीढ़ियों पर भी कुछ प्लांट्स रखे हैं। और ये सारे जो है इधर ये कॉर्नर में आप लोगों को अक्सर दिखाती रहती हूँ, बहुत सारे हैंगिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर। और नीचे ये आप देख सकते हैं इम्पेशंस के फूल। तो कुछ इस तरह से ये मेरा एक छोटा सा गार्डन ऐसा लुक्स देता है। और ये सारे कैक्टस है यहाँ पे, ब्लूमिंग अभी चल रही है, देखिए प्यारा सा फूल आया है इसमें। और ये एस्पैरेगस है, और कुछ मैंने कटिंग्स लगाए थे हिबिस्कस के, ये भी है। और इरेजिन का प्लांट आप देखिए, धूप में ये सारे जो है ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ अंदर की ओर रखा है। ये भी काफ़ी अच्छे से जो है ग्रोथ इनकी चल रही है, कटिंग्स ही लगाए थे मैंने। और यहाँ आप देखें ये सारे भी कटिंग से लगाए हैं, ये मेरा ड्रेसिना, इनके भी कटिंग्स मैंने लगाई हैं। और बहुत सारे प्लांट्स हैं दोस्तों, गजानिया में अभी भी जो है फूल बन रहे हैं, और यहाँ कलेडियम भी निकल के आए हैं आप देख सकते हैं वाइट कलर के। और यहाँ पर कुछ मैंने सैकुलेंट्स प्लांट्स रखे हैं, और कुछ रियो प्लांट्स को मैंने रखा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं ये सारे सैकुलेंट की वेराइटी है, ये स्नेक प्लांट आप देख सकते हैं, ये सारे स्नेक प्लांट की वैरायटी है। और यहाँ पे कैक्टस प्लांट है, और ये हिबिस्कस की कटिंग्स, और यहाँ भी कुछ लगभग फूल खिले हैं, और नीचे कुछ कोलियस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लीडिंग हार्ट है, यहाँ इनमें जो है फूल बन रहे हैं। और मैं उस साइड ले चलूँ जो मैंने शेड में कुछ प्लांट्स रखे हैं, यहाँ भी मैंने कुछ सिंगोनियम्स लगाए हैं, कुछ हैच प्लांट है, और ये स्पाइडर प्लांट। और इस वाले पोर्शन पे मैंने एक छोटा सा बैम्बू स्टैंड बनाया है, तो इसमें मैंने सारे जो है शेड लविंग प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए वहाँ मैंने पोथोस की कटिंग्स लगाए हैं, और ये पेप्रोमिया है, ये सारे जो है आपके चाइनीज़ एवरग्रीन है, जिनको मैंने डिवाइड किया था उस दिन। तो देखिए बहुत सारे प्लांट्स, ये सारे जो है चाइनीज़ एवरग्रीन की है, सारे मैंने एक प्लांट से जो है मल्टीप्लाई कर दिया है इनको, और काफ़ी बड़े बड़े गमलों में जो है मैंने इनको लगाया है। और ये कुछ पोथोस के कटिंग्स भी मैंने यहाँ लगाई है। और इसी तरह से मेरा ये छोटा सा गार्डन जो है तैयार हो गया है। और ये हैंगिंग प्लांट्स,
हैंगिंग प्लांट्स, ये देखिए ये बटरफ्लाई प्लांट है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये क्या है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ पर्पल हार्ट के प्लांट है, और ऊपर आप देखिए ये टर्टल वाइन या टेंगल हार्ट, ये सारे कटिंग्स मैंने लगाए हैं। तो इस तरह से मेरा दो शेल्फ है, और नीचे भी मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, और ये सारे चाइनीज़ एवरग्रीन, और ये जो है मॉन्स्टेरा, इनको मैंने यहाँ लगाया है ऊपर की ओर, और ये बैम्बू प्लांट, और ये मेरा जो है बहुत पुराना हिबिस्कस, सॉरी इसका नाम बोगनविला, सॉरी बोगनविला है, तो पता नहीं चलेंगे या नहीं बट मैंने रखा है। और यहाँ नीचे देख सकते हैं टायर प्लांटों में बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं, और ये एलोकेशिया है, और ये भी हैच प्लांट है, और यहाँ फिर से चाइनीज एवरग्रीन, और ये जो है ये वो अपराजिता का शीड से मैंने ग्रोइंग किया है, और ये स्पाइडर प्लांट अलग वैरायटी है ये, और ये आप देख सकते हैं ये रिबन ग्रास जो यहाँ पर भी लगे हैं अलग अलग कलर में। तो कंप्लीट ऐसा लुक्स दे रहा है मेरा ये, अभी टाइम है लगेगा इनको थोड़ा बुशी होने में। तो इसी तरह से मेरा ये छोटा सा गार्डन है दोस्तों, तो आप लोगों को कैसा लगता है मेरा ये गार्डन ज़रूर बताएं, और बहुत सारे काम अभी बाकी हैं करने को, लेकिन धूप की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगे हैं, और नीचे आप देखें बहुत सारे क्रॉटन्स, और ये सारे कटिंग्स जो है मैंने लगाए हैं, और ये अम्ब्रेला पाम, ये डिफिन बेकिया, इनकी भी कटिंग्स मैंने लगाई थी, और ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स सारे जो है कटिंग्स मैंने तैयार किए हैं, और ये पोलका डॉट के भी देखिए ये भी मैंने कटिंग्स तैयार किए हैं, और ये पोथोस को भी मैंने यहाँ रखा है तो देखिए, और ये जो है पर्सलिन, और यहाँ वो जो देसी हिबिस्कस, और ये जो है अरेका पाम, और ये एस्पैरेगस है, फर्न देखिए ये क्लाइंबिंग वाले ऊपर की ओर जाते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह से मेरा गार्डन छोटा मोटा सा है, और इतने सारे प्लांट्स को मैनेज करना काफ़ी मेहनत वाली बात होती है दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही कहते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। अभी मैं घर के अंदर मैंने कौन से प्लांट्स रखे हैं वो भी मैं दिखा दूँ। तो यहाँ देखें कुछ काम मेरे चल रहे हैं, तो देखिए ये सारे जो है मेरे इंडोर प्लांट्स, यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स रखे हैं, और ये देख सकते हैं ये मेरा ऊपर का पोर्शन है, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं, ऊपर हैंगिंग प्लांट्स हैं। तो इसी तरह से मेरा ये छोटा सा गार्डन ऐसा लुक्स दे रहा है। तो बहुत सारे प्लांट्स मैंने रखे हैं, आप देख सकते हैं ये कलेडियम, और इधर कटिंग्स भी मैंने लगाए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही कहते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों।